क्लास थर्ड, हाउ आर यू? इन कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर फन विद गिव एंड टेक, लेट अस डू योर बुक्स पेज नंबर 91. ओके स्टूडेंट्स, काउंट टू सब्ट्रैक्ट. डोलमा बोट फोर डजन बनानास एंड गेव वन टू ईच ऑफ हर फ्रेंड्स. ओके, वो फोर डजन बनाना लेके आई है. फोर डजन मीन वन डजन बनाना कितने होते हैं? 12. 12 फोर जा 48. 48 बनानास लेके आई. 30, और उसने क्या किया, हर फ्रेंड को एक एक बांट दिया. एंड 13 बनानास वर लेफ्ट, और उसमें से 13 बच गए. हाउ मेनी फ्रेंड्स गोट अ बनाना, तो कितने फ्रेंड्स को एक बनाना मिला, मतलब उसको फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स. तो बेटा इसके टू वेज हैं कि 48 जो बनानास हैं, ओके, ये जो 48 बनानास टोटल हैं उसमें से माइनस कर दो जो 13 आपके बनानास बच गए. ठीक है, एक तो ये वे हो गया. तो ये वे आपके लिए इजी है, आप इसको इजीली माइनस कर सकते हैं. 8 में से 3 लेस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और सिमिलरली 4 में से 1 लेस करेंगे तो 3 आ जाएगा. ये हो गया एक वे. ठीक है, सेकंड वे इज यू कैन सब्ट्रैक्ट दिस ऑन नंबर लाइन. तो नंबर लाइन पर सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, मतलब जिस नंबर में से आपको माइनस करना है वहां से आप स्टार्ट कर देंगे. मतलब ये तो हमने काउंट करने ही नहीं है. ओके, तो 13 तक जो है उसको हमने, मतलब 13 से हमने शुरू करना है. इससे पीछे 1 से लेके जो 13 तक नंबर थे, 12th जो नंबर थे वो हमने लिखे भी नहीं है. तो हमने यहां पर क्या लिखा है, 13. तो अब हमने 13 से कहां तक जाना है, 48 तक. तो नंबर लाइन पर हम क्या करेंगे, 10 स्टेप्स आगे जाते जाएंगे. तो हम यहां पर क्या किया हुआ, 13 से शुरू करके 10 स्टेप आगे गए तो 23, फिर 10 स्टेप आगे गए तो 33, 10 स्टेप आगे गए तो 43, और बनानास कितने हैं, 48. तो अब हम 10 स्टेप्स आगे नहीं जा सकते हैं. हम क्या करेंगे, 43 से 48 तक जाने के लिए कितने स्टेप्स चाहिए हमें, 5. तो अब जो नंबर ऑफ फ्रेंड्स है वो कहां से फाइंड आउट करेंगे आप, यहां से 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, 30 प्लस 5, 35. सो दिस इज योर आंसर, जो कि आपने 48 में से 13 लेस किया था तब भी आपके पास क्या आंसर आया था, 35. तो ये दोनों ही आपके लिए सही हैं. जो नंबर लाइन है उसके ऊपर सब्ट्रैक्ट करना और भी इजी हो जाता है. सिमिलरली लुक एट दिस क्वेश्चन, 56 माइनस 37, देन व्हाट विल यू डू, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नंबर 37. 37 इसी तरह से 10 आपने आगे स्टेप्स लेने हैं. 37 फिर से 10 स्टेप्स लेंगे तो 47, अगेन 10 स्टेप्स लेंगे तो 57, लेकिन हमें कहां पर पहुंचना है, 56. तो हमें 57 से एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा. अब हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 10 प्लस 10, और ये जो एक स्टेप हमने पीछे लिया है, पीछे को लेने का मतलब है हम क्या करेंगे, माइनस. फॉरवर्ड जाएंगे तो प्लस, बैकवर्ड जाएंगे तो माइनस. 10 प्लस 10 20, 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 19. सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 19. नेक्स्ट सी पार्ट, 80 माइनस 59. तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं, 59 से आप आगे आगे बढ़ सकते हैं. यहां पर इन्होंने इजी करने के लिए 59 में 1 स्टेप शुरू में ले लिया, क्योंकि हमें 80 तक पहुंचना है. तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें 1 पहले ले लो, उसके बाद 10 कर लो, या फिर आप कर सकते हैं 59, इस तरह से भी कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को. आप 59 पे हैं, फिर हम पहुंच जाएंगे 69, फिर पहुंच जाएंगे 79, और यहां से देखिए 59 से 69 तक 10 स्टेप्स, 69 टू 79 10 स्टेप्स, और हमें कहां तक पहुंचना है, 80 तक. तो 79 से सिर्फ एक ही स्टेप आगे जाएंगे, तो यहां पर आपको 80 पहुंच जाएंगे आप. ठीक है, ओनली 1. तो ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 21. ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से आप बच्चों के लिए घर का काम है डी ई एफ और जी पार्ट करना है. इसमें से भी मैं आपको एक करके बता दूंगी. जैसे मान लो मैं डी पार्ट कर रही हूं, डी पार्ट इज 85 माइनस 63 इज इक्वल टू व्हाट. ओके, तो आपने फिर वैसे ही करना है. क्या करना है, वही नंबर लाइन पर, यहां पर मान लो 80, सॉरी जिसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है वो हम शुरू में लिखते हैं 63. मतलब जिस चीज को सब्ट्रैक्ट करना है उसको शुरू में लिखेंगे 63. फिर आप 10 स्टेप्स आगे जाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 73. ओके, अगेन 10 स्टेप्स आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 83. ओके, और हमें कहां तक जाना है, 85 तक.
तो हम 83 और इसके आगे हमें 2 स्टेप्स लेने पड़ेंगे तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे 85 तक। तो हमारे पास टोटल कितने हो गया, 10 + 10 + 2, 10 + 10 = 20, 20 + 2 = 22। ओके स्टूडेंट्स, और वैसे भी माइनस करके देख लीजिए कि आपका आंसर सही है या गलत। 5 में से 3 लेस करेंगे 2 एंड 8 में से 6 लेस करेंगे तो 2। तो ये जो नंबर लाइन पर इस तरह से लाइंस के ऊपर सब्ट्रैक्ट करना है ये बहुत ही इजी होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से आपने ये सारे के सारे नंबर्स जो 3 बच गए हैं ई एफ और जी इनको कर लेना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे 84 में से 69 लेस करने तो 69 से स्टार्ट करो, 60 में से 20 लेस करने तो 20 से स्टार्ट करो, 90 में से 50 लेस करने तो 50 से स्टार्ट करके ऐसे 10 स्टेप्स आगे बढ़ते जाओ, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चंस में किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप ये कर लेंगे। नाउ लुक एट योर लास्ट क्वेश्चन। ऑल द किंग्स हॉर्सेस, हियर दिस इज अ लिटिल स्टोरी अबाउट अ किंग, फुलिश किंग। ओके, वंस देयर वॉज अ किंग हु कुड काउंट ओनली अप टू 9। ओके, लुक एट दिस स्टूडेंट्स, अगेन रीड दिस लाइन। वंस देयर वॉज अ किंग हु कुड काउंट ओनली अप टू 9। किंग जो है वो कहां तक काउंट कर सकता है, ओनली अप टू 9। अब आप बच्चे बताओ आप कहां तक काउंट कर सकते हैं। अब मुझे पता है आप तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े नंबर तक भी काउंट कर सकते हैं। एंड अप टू व्हाट नंबर्स कैन यू काउंट, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि आप कितने नंबर्स तक काउंटिंग आपको आती है। नेक्स्ट वन इज द किंग लव्ड हॉर्सेस। अब जो किंग है उसको घोड़ों से बहुत प्यार है। व्हाट ही कुड नेवर काउंट ऑल ऑफ देम। अब क्योंकि उसको काउंटिंग के 9 तक आती है तो सभी को वो काउंट नहीं कर पाता है। द किंग ही कैप्ट देम इन सच अ वे दैट ही नीडेड टू काउंट ओनली अप टू 9 फ्रॉम ईच साइड। तो वो घोड़ों को इस तरह से रखता है कि उसको सिर्फ जब उनको टोटल काउंट करता है तो वो उसको 9 से ज्यादा काउंट ना करने पड़े। अब जैसे यहां पर देखो, यहां पर उसने क्या किया, इस तरफ को 1, 2, 3 छोटे छोटे फील्ड्स या फिर स्टेबल बना दिए होंगे। फर्स्ट स्टेबल में घोड़ा कहाँ रहता है, स्टेबल में। तो स्टेबल में 3 हॉर्सेज हैं, सेकंड स्टेबल में 3 हॉर्सेज हैं, थर्ड स्टेबल में भी 3 हॉर्सेज हैं। 3 + 3 + 3 = 9। तो जो किंग है उसके लिए काउंट करना इजी हो जाता है। तो घोड़ों को उसने इस तरह से रखा, इस तरफ से वो 9 काउंट कर लेता है। नेक्स्ट इस तरफ को देख लेता है, फिर यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, टोटल कितने हो गए 9। फिर यहां पर काउंट कर लेता है 3, 3, 3, 9। अगेन इस साइड काउंट करता है 3 + 3 + 3, 9। तो इसको नंबर फॉर्म में ऐसे लिख दिया हुआ है, 3 हॉर्स कैप्ट यहां रखे हैं, सेकंड स्टेबल में 3 हॉर्स, थर्ड स्टेबल में 3 हॉर्स, इस तरह से उसने रख दिए। जब भी उसको काउंट करना होता है एक लाइन ऐड कर लेता है, ये वाली लाइन ऐड करता है, ये वाली लाइन ऐड करता है, ये वाली, सभी में उसको नंबर कितना मिलता है 9। तो इससे उसको पता चलता है कि कोई भी हॉर्स जो है वो गुम नहीं हुआ है। तो हाउ मेनी हॉर्सेज इन ऑल डिड द किंग हैव, तो किंग के पास टोटल नंबर ऑफ हॉर्सेज कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 3s = 24। तो किंग के पास टोटल हॉर्सेज हैं हमारे यहाँ पर 24। नाउ लुक एट दिस, वन डे अ विजिटर विद 4 हॉर्सेज केम देयर। अब एक विजिटर आ गया वहां पर, उसके 4 घोड़े थे। इट वॉज गेटिंग डार्क, बहुत अंधेरा हो रहा था, सो ही वॉन्टेड टू स्टे देयर एट नाइट। तो उसने कहा कि मैं यहीं पर रात को रुक जाता हूँ। वट द हॉर्स कीपर वॉज स्केयर्ड, जो हॉर्स कीपर था, राजा का जो हॉर्स कीपर था, हॉर्स जिसने रख रखे थे, वो बहुत ही डर गया। इफ द किंग सॉ दीज एक्स्ट्रा हॉर्सेस ही वुड बी वेरी एंग्री, कि अगर राजा ने इन एक्स्ट्रा हॉर्सेस को देख लिया तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाएगा। द विजिटर सेड डू नॉट वरी, विजिटर ने कहा तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। द किंग विल नेवर नो, किंग को कभी पता नहीं चलेगा। सो ही अरेंज्ड द हॉर्सेस लाइक दिस, तो उसने क्या किया, अपने जो 4 हॉर्सेस थे उनको भी बीच में डाल दिया। पहले हॉर्सेस इस तरह से राजा ने रखे थे, अब जो विजिटर आया उसने हॉर्सेस अपने भी बीच में ऐड करके इस तरह से बांध दिए। अब उसने कैसे बांधे, 2 यहां पर रखे, 5 यहां पर, 2 यहां पर, तो इनको हम टोटल काउंट कर लेते हैं। पहले हम 5 को काउंट करते हैं, 5 + 5 = 10 + 5 = 15 + 5 = 20 20 + 2 + 2 + 2 = 2 4 = 8 20 + 8 = 28 So here total number of horses are 28, which is right, क्योंकि 24 horses राजा के हैं और विजिटर के 4 और ऐड हो गए तो कितने हो गए 28। अब विजिटर ने इसको इस तरह से बांधा है घोड़ों को कि उनका साइड का सभी का सम कितना आ जाए
9 आ जाए। चलो देखते हैं कि 9 आता है या नहीं आता। 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9 इज दिस इज राइट। 2 प्लस 5 7 7 प्लस 2 9। तो इसी तरह से सभी साइड्स का सम क्या है 9 है। तो राजा को किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं हुई। नाउ लुक एट दिस। एट नाइट द किंग केम टू काउंट द हॉर्सेस। अब किंग फिर से आया रात को काउंट करने के लिए। अलोंग ईच साइड ही काउंटेड 9 हॉर्सेस। तो उसको फिर से यहाँ पर 9 हॉर्सेस मिल गए, क्योंकि उसको तो 9 से ज्यादा काउंटिंग आती नहीं है। आह दैट्स फाइन ही सेड। उसने कहा ये तो ठीक है। देन ही हैप्पीली वेंट टू स्लीप। और वो चुपचाप सोने के लिए चला गया। अब आप देख सकते हैं राजा सोने से पहले भी घोड़ों को काउंट कर रहा है, तो उसको घोड़ों से कितना प्यार होगा। इन द मॉर्निंग द क्लेवर विजिटर ट्राइड अनदर ट्रिक। तो जो विजिटर था वो बहुत ही चालाक था, उसने एक नया ट्रिक सोचा। ही टुक आउट हिज ओन 4 हॉर्सेस। अपने 4 घोड़े तो वो ले गया, बट ही ऑल्सो रैन अवे विद सम ऑफ द किंग्स हॉर्सेस। 4 घोड़े तो अपने ले गया और राजा के भी कुछ घोड़े ले गया। चलो देखते हैं क्या किया उसने। ही लेफ्ट द किंग्स हॉर्सेस स्टैंडिंग इन दिस वे। और राजा के घोड़ों को वो किस तरह से बांध के चला गया। यहाँ पर उसने 4 बांध दी, यहाँ 1, यहाँ पर 4। अब इसको हम काउंट करके देखते हैं कि जब राजा आएगा कि क्या वो इनको जब काउंट करेगा तो उसको हर साइड पे 9 हॉर्सेस मिल जाएंगे। नाउ लुक एट दिस। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9। तो इस तरफ के भी 9 है। इसी तरह से 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9। तो सभी साइड के हॉर्सेस जो है वो फिर से 9 है। तो लुक एट दिस। द सिली किंग डिड नॉट फाइंड एनी हॉर्स मिसिंग। अब जो राजा है वो तो मूर्ख है, उसको तो 9 से आगे काउंटिंग ही नहीं आती है। कैन यू हेल्प हिम। तो क्या आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। उसने क्या देखा कि हॉर्स तो पूरे है, इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, इधर भी 9 है। तो हम देखते हैं कि उसके कितने हॉर्स जो है वो जो थीफ था वो लेकर चला गया, विजिटर जो था। हाउ मेनी हॉर्सेज आर नाउ लेफ्ट। अब इन हॉर्सेस को काउंट करते हैं। 4 आर 16, 16 प्लस 4 20। तो टोटल हॉर्सेस अब कितने हो गए 20। और आपको पता है कि राजा के पास शुरू में कितने हॉर्सेस थे 24, और अब कितने बच गए 20। इट मीन्स हाउ मेनी ऑफ द किंग्स हॉर्सेस वर टेकन अवे। तो किंग के और कितने घोड़े वो अपने साथ ले गया। 24 पहले थे, उसमें से 20 को हम लेस करेंगे, सो इट इज 4। ओके, तो वो 4 घोड़े राजा के भी ले गया। लेकिन राजा जो है वो सिली, सिली मीन्स फुलिश, मूर्ख। राजा मूर्ख है, उसने उसको तो 9 से ज्यादा काउंटिंग नहीं आती, तो वो क्या कर रहा है, इधर के भी 9 काउंट कर रहा है, इधर के भी 9, इधर के भी 9, इधर के भी 9। तो राजा को ये चीज कभी भी समझ में नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट वन। दिस इज अ पजल। व्हाट नंबर्स वी आर। इफ यू एड अस बोथ यू गेट 100। द डिफरेंस बिटवीन अस इज ऑल्सो 100। अब बच्चों कोई ऐसा नंबर हो सकते हैं क्या, कोई भी 2 नंबर्स कि उनको अगर हम प्लस करें तो 100 आए, माइनस करें तब भी 100 आए। लुक एट, थिंक फॉर अ व्हाइल। यस, द नंबर्स आर 0 एंड 100। इफ यू एड 0 टू 100, 0 में अगर आप 100 प्लस करते हैं, मतलब इन दोनों का सम करते हैं, तब आपके पास क्या आता है 100। अब सिमिलरली आप 100 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब भी आंसर क्या आता है 100। इन बोथ द केसेस आंसर इज 100। सो व्हाट नंबर्स वी आर 0 एंड 100। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी। तो आपने बड़े ध्यान से इसको करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।